भाई ये सुनाते हैं आपको राहुल गांधी ने पहले क्या कहा। हिंदुस्तान में 60% रस्सी खराब होने जाती है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि रिटेल में एफडीआई लाओ, कि किसान अपना आलू डायरेक्ट बेच पाए। किसानों की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए बर्बाद हो जाता है कि हम जहाँ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधा नहीं दे पाते, रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश से इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी की पुरानी बाइट हमने आपको सुनाई, मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब उनकी बाइट हमने सुनाई, और यहाँ पर आलोक जी आपके पास आता हूँ। देखिए साफ है बीजेपी ने शुरू से लाइन ले रखी है कि 2019 में जब उनका मैनिफेस्टो था, और वो मैनिफेस्टो मेरे पास है, मैं दिखा भी रहा हूँ। देखिए वो मैनिफेस्टो जो आप लोगों का 2019 का था, इसमें जो सातवां कॉलम था कृषि किसान और कृषि, इसमें आप लोगों ने कहा था, इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हम जब सरकार में आएंगे तब कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। और जब शरद पवार 2004 से 2014 तक कृषि मंत्री थे, उन्होंने कितने देश भर के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो सरकार या कहें बीजेपी आपसे यह पूछ रही है आलोक जी कि 2019 में राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पीएम मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं कि कृषि सुधार है, या नरेंद्र तोमर जी झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि कृषि सुधार नहीं है। जहां तक बात आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो की, उसमें साफ लिखा है कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन उससे पहले की 5 सेंटेंस भी पढ़ लीजिए। संशोधन का मतलब खत्म करना नहीं होता, संशोधन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम को पावर देना नहीं होता। अच्छा, रिपील का क्या मतलब होता है? रिपील का क्या मतलब होता है? वी विल रिपील एपीएमसी एक्ट, व्हाट डज इट मीन सर? एपीएमसी एक्ट में मान लीजिए अगर आप बदलाव कर रहे हैं, तो अभी तो एपीएमसी एक्ट कहाँ का है? केंद्र सरकार का। अभी ये कह रहे हैं कृषि कानून है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स तो है ही नहीं, ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने साफ साफ कहा है। अच्छा। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए। हाँ। तो क्या हमारे मैनिफेस्टो को लागू करना चाहती है बीजेपी? और क्या हम अगर हमें ये काम करना होता तो क्या 10 वर्ष हमारे पास नहीं थे सरकार? तो वही तो बीजेपी कह रही है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं किसानों के लिए, और आज जब किसानों के लिए हो रहा है तब आप यहाँ पर हल्ला काट रहे हैं। यू स्टॉप नाइन रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।